यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में बीते सप्ताह पेट्रोल चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पेट्रोल चोरी की यह घटना देखने या सुनने में भले ही मामूली लगती हो, लेकिन अचंभा इस बात का है कि सीसीटीवी में कैद इस घटना में शामिल तीनों लड़के नाबालिग नजर आ रहे हैं। दिग्रस शहर में छुटपुट चोरियों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों के खेतों में कुएं में लगी पानी की मोटरों से लेकर शहर के गलियों में खड़ी दुपहिया वाहनों से पेट्रोल चोरी करने तक की घटनाएं किसी न किसी रूप में सामने आ रही है। इसी कड़ी में बीते 5 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से सटे गांधीनगर की गलियों में खड़ी दुपहिया वाहनों से पेट्रोल चोरी की एक घटना सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। पेट्रोल चोरी की यह घटना भले ही मामूली लगती हो, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाले तीन नाबालिगों का इस वारदात में शामिल होना एक गंभीर मुद्दा है। ये तीनों लड़के पेट्रोल चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि यह घटना 5 अगस्त की रात करीब 12 बजे की है। रात का समय, सुनसान गली और आसमान से बरस रही बारिश का मौका उठाते हुए इन लड़कों ने ये कारनामा किया है। इस फुटेज में नजर आ रहे तीन में से दो लड़के किसी मकान की सीढ़ियों पर बैठ कर स्थिति पर नजर बनाए हुए और पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक लड़का दुपहिया वाहन से पेट्रोल निकालने में लगा हुआ था। इन्होंने बड़ी ही सावधानी से पेट्रोल चुराया और फिर वे तीनों वहां से 9:00-11:00 हो गए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने दुपहिया वाहनों में पेट्रोल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा, कम से कम 4 से 5 लीटर पेट्रोल चुरा कर यह शातिर चोर वहां से रफू चक्कर हो गए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि देखने में पेट्रोल चोरी की यह घटना भले ही मामूली सी हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर नाबालिग नजर आ रहे हैं। उनकी उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल की लग रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज उन्होंने पेट्रोल चुराया है, कल को उनका मनोबल बढ़ेगा और हो सकता है वे आगे चलकर चोरी चकारी की बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। ऐसे में दिग्रस शहर पुलिस को अपनी सतर्कता बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है और साथ ही पुलिस को चाहिए कि रात के समय पुलिस शहर के मुख्य रास्तों के अलावा शहर की अंदरूनी गलियों में भी अपनी गश्त बढ़ाए, ताकि छुटपुट चोरी की इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से ज़ुबैर खान की रिपोर्ट।